हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग अगर इंडिया से बांग्लादेश जाना चाहते हो या और भी कंट्री में अगर जाना चाहते हो, आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। वीज़ा के पहले आपको पासपोर्ट बनाना होता है। पासपोर्ट आपको कैसे बनाना है, कैसे उसका एप्लीकेशन करना है, उसके ऊपर मैंने पिछले एक वीडियो दिया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख के पहले पासपोर्ट बना लीजिए, उसके बाद आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करिए जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप अगर इंडिया में रहते हो, आप अगर बांग्लादेश जाना चाहते हो, कैसे आपको वीज़ा के लिए ऑनलाइन से अप्लाई आपको करना है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे फॉर्म फिल करना है, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए आपको पहले इस वेबसाइट में आना होगा। इस पोर्टल का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पोर्टल का लिंक में आने के बाद इस पेज में आपको आना है। इस पेज में आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पर आपको पहला जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो है पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो। आपको पासपोर्ट चाहिए, उसके साथ आपका एड्रेस जहाँ पर बांग्लादेश में जहाँ पर भी जाना चाहते हो उसका एड्रेस चाहिए, और एक वैलिड मेल आईडी आपको चाहिए। ठीक है, ये चारों चीज़ आपको ज़रूरत है। पासपोर्ट भी आपको यहाँ पर ज़रूरत है एप्लीकेशन करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पहले आपका फॉर्म फिल करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसको प्रिंट आउट करना है, और उस प्रिंट आउट को लेके आपको ऑफिस में जाना है। यहाँ पर इस बॉक्स में कॉन्सेंट देना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन में आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका वैलिड एक मेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। आप जो भी मेल आईडी आपके फ़ोन में खुला हुआ है वही मेल आईडी आप यहाँ पर यूज़ करिए। इस मेल में ही आपको सारी जो जानकारी है जो SMS से आपको दिया जाएगा वीज़ा या पासपोर्ट ऑफिस से, तो आपको यहाँ पर मेल आईडी ज़रूरी जो मेल आईडी वो यहाँ पर आपको डालना है। मेल डालने के बाद नीचे यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करते आपके सामने यहाँ पर फॉर्म का पेज ओपन होंगे। यहाँ पर आपका करेंट लोकेशन क्या है, मेरा करेंट लोकेशन है इंडिया, मुझे यहाँ पर इंडिया चूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है चूज फाइल में क्लिक करके। जो भी फोटो डालोगे फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद प्रीव्यू बटन में आपको क्लिक करना है। फोटो का बैकग्राउंड जरूर व्हाइट होना चाहिए, 300 KB के अंदर आपका फोटो होना चाहिए, ये दोनों चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड जो है व्हाइट है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्ट नेम देना है, जो भी आपके पासपोर्ट में दिया हुआ है वही फास्ट नेम आप यहाँ पर वो डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर फास्ट नेम डाल दिया है। उसके बाद आपको लास्ट नेम डालना है जो भी आपके पासपोर्ट पे है। उसके बाद फास्ट नेम ऑन वीज़ा, वीज़ा में फास्ट नेम आप क्या चाहते हो वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर फास्ट नेम वीज़ा में आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम या सरनेम आपको वीज़ा में क्या चाहिए वो ही आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो डालना है, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। आपके पासपोर्ट के अंदर जो भी एड्रेस डाला हुआ है वही एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए, पूरी एड्रेस आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, पूरी जो एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया है, मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो भी फ़ोन नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए, फ़ोन नंबर जो आप इस्तेमाल करते हो वही फ़ोन नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। फ़ोन नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस इन बांग्लादेश, आप बांग्लादेश में जहाँ पर भी जाना चाहते हो उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। आप अगर कहीं भी घूमने जा रहे हो बांग्लादेश में तो आपको उस जगह का जो एड्रेस है आपको अगर नहीं मिलते तो आप गूगल में या क्रोम में सर्च करके भी उस एड्रेस आप पता कर सकते हो। वही एड्रेस गूगल या क्रोम से सर्च करके आप यहाँ पर वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो भी जहाँ पर भी मुझे जाना है घूमने के लिए, एजुकेशन के लिए या बिजनेस पर्पस, उस जगह का नाम एड्रेस आप यहाँ पर अच्छी तरीके से वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट नंबर, बांग्लादेश में जहाँ पर भी जा रहे हो उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर डालना है, जिसके घर में या जहाँ पर घूमने जा रहे हो उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैलेंडर से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से देना है, जो भी आपके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ आप इस कैलेंडर से वो चूज़ कर लीजिए। तो इस कैलेंडर में से आप यहाँ पर पहले आपका साल, यहाँ पर उसके बाद मंथ और डेट यहाँ से आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्स देना है, मेल या फीमेल हो। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आपका जहाँ पर भी बर्थ हुआ, जन्म हुआ, उस जगह का नाम देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर कंट्री देना है, इंडिया, इंडिया यहाँ पर आ चुका है। ऑक्यूपेशन में आप जो भी काम करते हो, आप बैचलर हो, आप नर्स हो, आप स्टूडेंट हो, आप रिटायर्ड पर्सन हो, या आप जो भी काम करते हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन चूज़ करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो, सिंगल हो, यहाँ से लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ा हुआ हो तो आपको यहाँ पर देना है, नहीं तो इस ऑप्शन को आप यहाँ से छोड़ दीजिए।
तो सारा कुछ डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चार ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है न्यू वीजा एप्लीकेशन, यहाँ पर वीजा एक्सटेंशन इसका मतलब रिन्यूअल के लिए, नो अराइवल वीजा और नो वीजा रिक्वायर्ड। आपको पहला ऑप्शन चूज करना है न्यू वीजा एप्लीकेशन। पहला ऑप्शन चूज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन में सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा कुछ पेज आएंगे। इस पेज में आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। यही यूजर आईडी पासवर्ड आप नोट डाउन करके रखिए, बाद में यही यूजर आईडी पासवर्ड की आपको जरूरत होंगे। यूजर आईडी पासवर्ड लिखने के बाद आपको ओके बटन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पासपोर्ट डिटेल्स देना है। आपका पासपोर्ट का नंबर क्या है वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है। तो आप आपका पासपोर्ट में देख के आपका पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पर वो डाल दीजिए। उसके बाद पासपोर्ट टाइप में आपको यहाँ पर किस टाइप का आपका पासपोर्ट है वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर है पहला ऑप्शन है ऑर्डिनरी पासपोर्ट ऑफिशियल, यहाँ पर डिप्लोमेटिक अदर्स का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो मेरा जो पासपोर्ट है ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, आपको यहाँ से ऑर्डिनरी ऑप्शन जो है यहाँ से पहला ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑर्डिनरी ऑप्शन आप चूज करने के बाद आपको प्लेस ऑफ इशू आपको यहाँ पर डालना है। आप कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है उस जगह का नाम डालना है, आपको पासपोर्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू, आप कौन सी डेट में आपका पासपोर्ट इशू हुआ है उस डेट देना है। और पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट भी आप यहाँ से कैलेंडर से आपको यहाँ पर चूज करना है। तो आप यहाँ पर कैलेंडर से आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक ऑप्शन मिलेंगे, हैव यू विजिट टू बांग्लादेश प्रीवियसली। आप पहले इसके पहले आप बांग्लादेश में गए थे या नहीं गए थे। मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो इसके लिए मुझे नो करना है। आप अगर पहले एक बार बांग्लादेश गए हो तो आपको यहाँ पर येस करना है। येस करने के बाद आपको यहाँ पर आपका विजिट टू बांग्लादेश कौन सी डेट में गए थे, आपका वीजा नंबर, वीजा इशू डेट, एक्सपायरी डेट, प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू हुआ था वीजा, टाइप ऑफ वीजा क्या वीजा था, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। आप अगर पहले गए हो बांग्लादेश में तभी, नहीं है तो उसको आपको नो करना है और इस बॉक्स को आपको छोड़ देना है। उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन में आपको क्लिक कर देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट बटन में आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने पेमेंट इन्फॉर्मेशन आएंगे। ये जो पेज है आपको यहाँ से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑफिस में जाके आप कितने दिन के लिए वीज़ा चाहते हो, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, उसके ऊपर आपको पेमेंट करना है उसके हिसाब से। तो इस पेमेंट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से छोड़ देना है। इस ऑप्शन को छोड़ने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पार्ट आएंगे, यहाँ पर पर्पस ऑफ विजिट, आप किस पर्पस पे लिए विजिट करना चाहते हो बांग्लादेश। यहाँ पर ऑप्शन है बिजनेस पर्पस, डिपेंडेंट, डिप्लोमेटिक पर्पस, एम्प्लॉयमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस, ऑफिशियल पर्पस, अदर्स, स्टडी रिलेटेड या टूरिज्म। आप अगर घूमने जा रहे हो तो आपको टूरिज्म ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर है ड्यूरेशन ऑफ पर्पस स्टे इन बांग्लादेश, आप कितने दिन के लिए बांग्लादेश में रहना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने 1 साल के लिए जाना, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए आप जाना चाहते हो। यहाँ से आपको सिंपली तीनों ऑप्शन मिलेंगे, तीनों ऑप्शन में से आप चूज कर लीजिए। आप मोटा मोटा यहाँ से 6 मंथ या 1 ईयर के लिए यहाँ पर आप चूज करिए मेरे मुताबिक, ठीक है। उसके बाद यह टेंटेटिव डेट और कौन सी डेट में आप बांग्लादेश जाना चाहते हो, एक डेट आपको यहाँ पर डालना है। टेंटेटिव आप यहाँ पर एक डेट डाल लीजिए, कौन सी डेट में आप जाना चाहते हो। तो डेट यहाँ से डालने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएंगे इंटेंट नंबर ऑफ इंटायर्ड, आप कितने टाइम के लिए जाना चाहते हो। आप सिंगल आप अगर करोगे तो आप एक ही बार जा सकते हो 1 साल में। अगर मल्टीप्लेट आप करोगे तो आपको 1 साल में आप जितनी बार जाना चाहते हो आप यहाँ पर जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लेट जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर लीजिए। ये सारा डिटेल्स एक बार अच्छी तरीके से देख के आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपको यहाँ से यहाँ पर आपको वेट करना है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे। इस पेज में आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेंगे ग्रुप ऑर्डर बाय। ग्रुप ऑर्डर बाय में आपको FM जो पहला ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। तो FM पहला ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी ऑफिस से आपका पासपोर्ट बना रहे हो, आपके नज़दीकी जो पासपोर्ट ऑफिस या वीज़ा ऑफिस, उस ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मेरा जो नज़दीकी ऑफिस, मैंने यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर डाल दिया है, कलकत्ता से मैं वीज़ा बनाऊंगी। तो आप अगर जहाँ पर भी रहते हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर आपका लोकेशन आप चूज़ करिए, जिस भी जगह से आप पासपोर्ट वीज़ा बनाना चाहते हो, ठीक है। उस लोकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन में सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको लास्ट जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पर लिस्ट करना है कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाना चाहते हो पास वीज़ा ऑफिस में। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, यहाँ पर एक ऑप्शन है फोटो, इनकम टैक्स का ऑप्शन है। तो मैं फोटो यहाँ पर ले जाऊँगी, फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ से पासपोर्ट ले जाना है तो यहाँ पर पासपोर्ट कॉपी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और आप अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड ले जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर नीचे अदर्स एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन चूज करना है।
तो यहाँ से आप अदर्स ऑप्शन चूज कर लीजिए। अदर्स ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहते हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, जो भी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर वो लिख दीजिए। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी फॉर्म रिव्यू के हिसाब से यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर पूरी फॉर्म एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिए। फॉर्म यहाँ पर प्रीव्यू है, आप पूरी फॉर्म एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिए। फॉर्म एक बार चेक करने के बाद आपके फॉर्म में अगर सब कुछ सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट करिए। अगर कुछ भी भूल है तो आप यहाँ पर प्रीवियस में जाके फॉर्म पहले चेक अच्छी तरीके से उसको सही कर लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन में सिंपली आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे। यहाँ पर नीचे डाउनलोड एंड प्रिंट कंप्लीट वीजा एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका जो पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। यही जो पीडीएफ है इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करके इस प्रिंट आउट के साथ बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको वीजा ऑफिस में आपको वेरीफाई, आपको हियरिंग आपको कराना है। वहाँ पर भी आपको पैसा आपको देना है, जो भी ऑफिशियल फीस है। फीस देने के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के बाद आपको वहाँ से वीजा आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो उस कंट्री में आप जा सकते हो। तो ऐसे ही आपको वीजा के लिए ऑनलाइन से अप्लाई करना है, बहुत आसान और इसी तरीके से।